9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के धार्मिक स्थल के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी, जिसे लेकर अब अयोध्या प्रशासन ने 5 जमीनों की पहचान कर ली है। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक तरफ केंद्र सरकार ट्रस्ट निर्माण के काम में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के धार्मिक स्थल के लिए 5 एकड़ जमीन की तलाश कर ली है। अयोध्या प्रशासन ने मुस्लिमों के धार्मिक स्थल के लिए जिन जगहों का चयन किया है उसमें मलिकपुरा मिर्जापुर, शमशुद्दीनपुर और चांदपुर गाँव स्थित जमीने हैं। ये सभी जमीने अयोध्या से निकलने वाले और अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर है, लेकिन सभी जगह पंचकोसी परिक्रमा से बाहर है। आपको बता दें कि पंचकोसी परिक्रमा 15 किलोमीटर की वो परिधि है जिसे अयोध्या का पवित्र क्षेत्र माना जाता है, जबकि मुस्लिम पक्ष की मांग है कि उनके धार्मिक स्थल के लिए इसी परिधि में जगह दी जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इसे लेकर आवाज उठा सकता है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था, जबकि मुस्लिमों की दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें 5 एकड़ की जमीन देने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि एक बार ट्रस्ट बनने के बाद सरकार ये जमीन मुस्लिम पक्ष को सौंपेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।